न्यू चैप्टर ट्वेल्थ की फर्स्ट क्लास ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। और फर्स्ट क्लास कैसे रहती है वो हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर पहले 11th क्लास में हुआ करता था, अब इसको 11th से हटा के 12th में शिफ्ट कर दिया गया है। और एग्जाम में इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आना पक्का होता है। पहली बार 12th में आपके थ्योरी तो ना के बराबर, एक आध नंबर का आ गया तो आ गया, बाकी ना के बराबर रहता है। सर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? एक क्वेश्चन एक नंबर का, एक क्वेश्चन तीन नंबर का और एक क्वेश्चन छह नंबर का। जो तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा वो हम आज देखेंगे। इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें है, वो सारी बातें करेंगे। मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को जो अभी लाइव देख रहे हैं, और जो वर्चुअल वाले बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर रिकॉर्डेड वाले बच्चों को इस चैप्टर के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि सर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे बिजनेस में। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। चलो हम ना एक ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी मान लेते हैं मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, मान लेते हैं कि हम 10 बच्चे अगर जुड़े हुए हैं मेरे से, एक मैं ट्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ट्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊं, एक रुपया ना लूं, अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जाए। आपने बोला हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं शुरू से आप ऐसा करो। तो मैंने बोला चलो आपकी मन की इच्छा आज पूरी कर देते हैं, आपसे एक रुपया नहीं लेंगे। आपको कहाँ पढ़ाऊं मुझे बताओ, मैं आपको रोड पे पढ़ाऊं, आपको पार्क में पढ़ाऊं, या आपको मैं कहाँ आपके घर घर आके पढ़ाऊं। तो बोलोगे सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आप ट्यूशन में पढ़ाओ ना। मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे हैं तो मुझे एक एक मुझे जगह लेनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी, यानी एक जगह मुझे जहां पे मुझे पढ़ाना है, ये मेरा ट्यूशन सेंटर है। अब इसका मुझे रेंट भी देना पड़ेगा, है ना। अब जो इसका रेंट देना पड़ेगा, रेंट मान लिया जाए इसका 5,000, हालांकि जहां मैं पढ़ाता हूं उसका तो बहुत ज्यादा रेंट है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5,000, 5,000 रुपए इसका रेंट है। और आप कितने बच्चे हो? 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हो। आप मुझे जवाब दें, अगर मैं आपसे पैसे ना लूं तो मैं नुकसान में रहूंगा, क्योंकि मैं पूरे महीने पढ़ाऊंगा और मकान मालिक को किराया दूंगा या नहीं दूंगा? जवाब हां या ना में दे, और देना हर किसी को जरूरी है जवाब। बताइए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं जो है मकान मालिक को किराया दूंगा या नहीं दूंगा? जवाब आ गया, यस सर आप देंगे। बाकी जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं, सलोनी ने भी जवाब दिया, यस सर आपको किराया तो देना पड़ेगा। तो बताइए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ रहे हम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं 10 बच्चों से ऐसा क्या करूं कि हमारा जो है मेरा लॉस ना हो? तो मैं एक काम करता हूं, मैंने बोला प्यारे बच्चों मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, 5,000 रुपए किराया और आप ही 10 बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसके बाद इसमें किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं आपके लिए ही आया हूं। तो एक काम करिए, आप सभी मुझे 500-500 रुपए दे दीजिए। तो आप सभी मुझे 500-500 रुपए देंगे अगर, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा होगा? टोटल होगा 5,000। बताइए मैंने कोई प्रॉफिट कमाया, मैंने कोई प्रॉफिट कमाया? अरे बताओ ना, मैंने कोई प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? बताइए। प्राची का भी जवाब आ गया, यस नो, सलोनी ने कहा नो। लेकिन आप क्या सोचोगे, सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पैसे तो मुझे देने नहीं? ऐसा नहीं है, आपने पैसे दिए फिर भी नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कौन कौन से हैं जो काम करते हैं उसके अंदर का मैं नाम लिख देता हूं कुछ, जैसे कि स्कूल, जैसे हॉस्पिटल, जैसे कि आपका क्लब। अब क्लब का मतलब वो मत समझ लेना जो आपके मन में चल रहा है, क्लब क्लब का मतलब स्पोर्ट्स क्लब, जहां पे बच्चों को क्रिकेट खेलने की, कुश्ती लड़ने की, स्विमिंग की जिसमें प्रशिक्षण दी जाती है, उस क्लब की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद और क्या हो सकता है क्लब के, हॉस्पिटल के बाद? और मान लेते हैं कंप्यूटर सेंटर,
जिसको आपने सुना होगा एनजीओ है ये। तो ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे उतना ही पैसा लेती है जितना उनका खर्चा होता है, प्रॉफिट नहीं कमाती। अगर मैं आपसे 500 रुपए के बजाय अगर मैं बोलूं जी मुझे 600 रुपए आप दीजिए, तो बताइए फिर मैंने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, जवाब दीजिए। और कमाया तो कितने रुपए टोटल प्रॉफिट कमाए, जवाब दीजिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने, यस सलोनी का आंसर आया, यस कमाया, इधर भी सब बच्चे दे रहे हैं, धीरज भी दे रहा है यस, गौसिया ने भी बोला यस, प्राची ने बोला यस, 1,000 रुपए सर आपने प्रॉफिट कमाए, बिल्कुल सही जवाब, मैंने 1,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और अगर मैं 500 रुपए आपसे फीस लूं तो क्या मैंने प्रॉफिट कमाया, तो आपका जवाब होगा सर नहीं कमाया आपने, प्रॉफिट नहीं कमाया। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हम आपसे पैसे तो रिकवर करते हैं लेकिन उतना जितना हमारा खर्चा होता है, हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। और इसके अंदर जो बन गए ना, तो आपकी इतनी धांधली चलेगी ना, धांधली समझते हो सर, धांधली हम तो नहीं समझते, धांधली बाजी क्या होता है सर, आपकी दादागिरी, आप 10 ही बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चों की दादागिरी, जब मर्जी आएंगे ट्यूशन खोलेंगे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। मैंने बोला भाई जब मर्जी क्यों आया, सर वो हम तो किराया तो हम ही दे रहे हैं ना, तो हम बैठ के पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा बात सही है, आप बैठ के पढ़ सकते हो। फिर जब मर्जी आएंगे वो बोलेंगे मेरे से, मंथ के एंड में पूछेंगे सर किराया वराया दिया आपने, मैंने बोला अभी तो नहीं दिया, तुमने तो अभी पैसे ही नहीं दिए मुझे, तो किराया तो दिया ही नहीं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपकी दादागिरी, आप मुझसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछते हो और मुझे धमकाते रहते हो, एक तो मैं पढ़ा रहा हूं ऊपर से आप मुझे धमकाते रहते हो, पूछते रहते हो मेरे से क्वेश्चन। मैंने कहा भाई मैं किराया दूंगा, पहले आप फीस लेके आओ अपने घर से तभी तो किराया दूंगा। आपने बोला सर फीस, आप फीस लोगे, शुरू में तो आपने क्या कहा था कि मैं बिना फीस के पढ़ाऊंगा, मैंने बोला बिल्कुल बिना फीस के पढ़ाऊंगा, तो आप फीस कैसे मांग सकते हो। मैंने बोला चलो भाई गलती हो गई, फीस मत लाओ, जो किराया है वो आपसे तो रिकवर करना है, वो किराया दे दो। तो आप सभी पता है इसके मेंबर बन चुके हो, एक आप सभी का एक नाता जुड़ गया, आप सभी क्या हो मेंबर। और मेंबर जो भी बन जाते हैं ना, तो वो अपने घर से कुछ कुछ पैसे लाएंगे, यानी आप अपने घर से 500, ये फी नहीं है, ये फी नहीं है, फी तो मेरी इनकम हो जाएगी, ये फी नहीं है, इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन। हाँ सर हमने सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, मुझे आपने चंदा दे दिया, चंदा दे दिया सर, ये लो चंदा और हमें पढ़ाओ, चंदा दे दिया, तो आप सब क्या दोगे सब्सक्रिप्शन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पेमेंट करते हो ना, तो वो फी नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर मैं बताऊं अपने खर्चे को, अपने दिन रोज के खर्चे को चलाने के लिए, बिजली का बिल, मकान का किराया चलाने के लिए मुझे पैसे का इंतजाम करना हो, तो किससे लेना पड़ेगा, आपसे ही लेना पड़ेगा। और जो आपसे मैं लूंगा पैसे, उस पैसे को क्या बोलेंगे कमेंट में फटाफट बताइए, उस पैसे को क्या बोलेंगे जो आपसे लिया जाएगा कमेंट में बताइए फटाफट, आपसे ही जानना चाहता हूं मैं। प्राची का जवाब आ गया, कार्तिक का भी जवाब आ गया, सब्सक्रिप्शन सलोनी का भी जवाब आ गया, और इधर से भी जवाब आ गया सभी बच्चों का, वेरी वेरी गुड। यानी सब्सक्रिप्शन यानी किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो गुजारा और मेन इनकम सोर्स होता है वो क्या होता है, जवाब इज सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन देते कौन है, आप सब कौन हो, आप सब मेंबर हो, तो सब्सक्रिप्शन हमेशा कौन पेड करेगा, मेंबर पेड करेगा। तो जैसे मैं व्यापार करूंगा, अगर बिजनेस करूं ना, तो मेरे इनकम का, जैसे कि मैं अगर मान लो बोलूं भाई मैं एनजीओ, एनजीओ नहीं एनपीओ, एनपीओ नहीं मैं करता, मैं पैसे लूंगा, तो मेरे इनकम का सोर्स फी है। मैंने बोला मैं एनपीओ हूं,
तो मैं आपसे पैसे लूंगा लेकिन फी नहीं बोलूंगा, उसे बोलूंगा मैंने आपसे लिया सब्सक्रिप्शन। अब आपके श्रद्धा के ऊपर है भाई, कोई 600 दे दे, कोई 700 दे दे, मैं भलाई कर रहा हूं वैसे, तो उसे सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि हमारा एक व्यापार होता है जिस व्यापार को चलाने के लिए प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हम उसके मेंबर से कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं, वो सब्सक्रिप्शन होता है। और जो ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, इसी की हमें अकाउंटिंग सीखनी है इस चैप्टर में, इसी की तो अकाउंटिंग सिखाऊंगा मैं, और जो अकाउंटिंग सीखेंगे इसकी चैप्टर हो जाएगा खत्म। कितना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर मैंने आज स्टार्ट किया ना, तो आपको ये जो है कि बोलोगे सर आपने क्या करा दिया, ये हमसे बच्चों वाला काम करा रहे हो आज, तो बड़ा ही आसान चैप्टर आपको कराया जा रहा है जिसका नाम है एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी, सब्सक्रिप्शन की। सर और भी कोई अकाउंटिंग करनी है? बिल्कुल बच्चे, डेफिनेटली इसमें हम तरह तरह की अकाउंटिंग सीखेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, आप नोटिंग करोगे ना तो बिल्कुल मजा आएगा और लगेगा नहीं कि मैं बिल्कुल भी डिले हूं। तो यानी आपने समझ लिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है या खर्चा है, एक्सपेंस है या एसेट्स है, बता दो जवाब कमेंट में। जिन बच्चों ने 11वीं में पढ़ा है ना, मुझे उम्मीद है आप मुझे जवाब दे दोगे, सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, खर्चा, एसेट्स, लाइबिलिटी, जवाब दे दे। जिन बच्चों ने 11वीं में मन लगा के पढ़ा है ना, वो डेफिनेटली मुझे जवाब दे देगा। बताइए सब्सक्रिप्शन क्या है, मेरा एक सब्सक्रिप्शन क्या माने चारों में से? जवाब आ गया, धीरज ने जवाब दे दिया, इनकम। और देखते हैं कौन कौन बच्चे देते हैं, और भाई एप्लीकेशन वाले जो भी बच्चे हैं वो भी जवाब दें, और यूट्यूब वाले भी बच्चे जवाब दें। श्रेया कीर्ति ने भी जवाब दिया इनकम है, और गौसिया ने भी जवाब दे दिया, ग्रेसी ने भी जवाब दे दिया। ओ माय गॉड, गौसिया यानी ये तो है साजिया, इन्होंने लाइबिलिटी कहा, अभिषेक ने इनकम कहा, प्राची ने इनकम कहा, सभी बच्चे ने इनकम जवाब दिया। कार्तिक आप खर्चा कह रहे हो, मैं एनपीओ हूं, आप मुझे घर से पैसे ला के दोगे तो क्या मेरे लिए ये खर्चा है? कार्तिक कैसी बातें कर रहे हो कार्तिक, ये आप, ये खर्चा नहीं है, ये इनकम है, इनकम। तो क्या होगा ये, इनकम। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है सर। और इनकम का बताओ नेचर क्या होगा सर, नॉमिनल होगा। एक नंबर का क्वेश्चन करवा दिया, एक नंबर का क्वेश्चन करा दिया, नॉमिनल होगा सर। कैसे, मैंने बताया था ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर नॉमिनल अकाउंट, आपने करा है 11th क्लास में, बचपन में तो करा ही है। तो कार्तिक होपफुली आपको समझ में आ गया, सब ने यहां पे जवाब दिया कि सर ये तो इनकम है। ओ माय गॉड, यहां पे एक बच्चे ने और एक्सपेंस कहा है, रूबे शाह, शायद किसी और के अकाउंट से है, और कहता है इनकम, सॉरी गलती से लिख दिया, ओके इनकम होगा, ठीक है। सभी बच्चों को बता दिया जाए, अभी किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है इनकम? अरे सब्सक्रिप्शन मतलब समझो ना क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब मुझे तो आप पैसे दोगे तो मेरे लिए तो इनकम ही हुआ ना, इनकम चंदा, तो इनकम होगा वो, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए तो हमारे चैप्टर का थोड़ा सा इसके अंदर हम देख ले क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने नंबर का चैप्टर है। तो हमने मोटा मोटी आइडिया लिया कि एनपीओ वो होता है जिसका काम होता है लोगों की भलाई करना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब हो गया, और भी हो सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर हो गया, एनजीओ, जैसे मैं भी भलाई कर रहा हूँ भाई आप लोगों की, तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति पैसे देता है उसको क्या बोलते हैं, चलो फिर पूछ लिया जाए, कमेंट में लिखिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था होती है उसके अंदर जो लोग जुड़े होते हैं उसे तो मेंबर बोला जाता है, जो लोग जुड़े होते हैं उसे क्या बोला जाता है, मेंबर। और वो लोग अगर पैसे दे दे तो उसे क्या बोले, बताइए जवाब। देखो सलोनी ने बड़ा फटाफट दे दिया सब्सक्रिप्शन, और यहां से भी मेंबर श्रेया कीर्ति ने भी सही जवाब दिया था पहले का, और प्राची ने भी सब्सक्रिप्शन जवाब दे दिया, वेरी वेरी गुड। आप ऐसे मन लगा के पढ़ेंगे तो 100 में से 100 नंबर डेफिनेटली आना है। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, बस डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ने का और कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन पूछूं आपने जवाब दिया, मेरा मन खुश, और आपका तो मन फिर क्या बताएं, क्या मन हो जाएगा आपका। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दो पार्ट में डिवाइडेड है आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट में है कुछ कैलकुलेशन बेस, यानी सिंपली एक कैलकुलेशन सीखेंगे कुछ पार्ट्स के,
और जो सेकंड पार्ट है वो अकाउंट बेस है यानी लेजर बेस, लेजर बेस्ड। कैलकुलेशन में कितने टाइप के सर हमें कैलकुलेशन सिखाओगे आप? बिल्कुल, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और ये आपके ना नोटिंग होने चाहिए, नोट होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने 11th वाले रजिस्टर लगाया ना, तो उसके 100 नंबर का तो मैं बोल रहा हूं आएंगे, उसमें से 2 जीरो कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए नए रजिस्टर होने चाहिए। एक हम सीखेंगे स्टॉक कंज्यूम निकालना, स्टॉक कंज्यूम। और क्या सीखेंगे सर? एक सीखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और क्या सीखेंगे सर? और सीखेंगे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। ये तीन चीजें मेजर रहेगा इसके अंदर, हमें जो सीखना होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और सर इसमें से भगवान, कल वैसे तो राम क्या था, रामनवमी था, अगर भगवान राम भी आ जाए ना और भगवान कृष्ण भी आ जाए, बोले ये तीन टॉपिक कर लो आप नहीं आएंगे इसमें से, तो मैं बोलूंगा भगवान आप गलत बोल रहे हो। इसमें से 3 नंबर का या तो ये या ये या ये, इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 नंबर का क्वेश्चन ना बने। तो इसको जो भी टॉपिक करेंगे, तो मान लो तीनों टॉपिक जिस बच्चे को आए 3 नंबर डन, बस 97 की मेहनत करनी है। और इसके अंदर लेजर बेस में क्या सीखेंगे हम? एक बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर और क्या सीखेंगे? दूसरा है बैलेंस शीट, बहुत छोटा सा अकाउंट है। सर ये कितने का? ये 6 नंबर का आएगा। एग्जाम में होता है कि कई बार बैलेंस शीट पूछते ही नहीं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीख लेते हैं 6 नंबर में। तो हमारे जो पूरा चैप्टर है, वो मैंने पूरा चैप्टर का एक समरी बना दिया कि ये चैप्टर में हम सीखेंगे, और सीखते ही हमारे 10 नंबर पक्के। फटाफट से ये नोट करिए, नोट करने के बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टॉक कंज्यूम। जल्दी जल्दी नोट करिए, डिले मत करिएगा, नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेने की गलती ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो नहीं लगेगा। और यूट्यूब वाले बच्चों ने जहां स्क्रीनशॉट लिया, उनके समझ लो नंबर कट गए। कितने नंबर कटेंगे पता है? पूरे के पूरे 90 नंबर कट जाएंगे, बस 10 ही आएंगे फाइनल में। भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी 15 बच्चे, लाइक आते हैं 6 बच्चे, बहुत मतलबी हो गए लगता है। नोट करने के बाद आप डन कर देना। क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा। तो देखो बच्चों, इसको क्लियर दिखने का तरीका, आप जैसे YouTube पे जाते हैं, मैं भी देखता रहता हूं, यहाँ पे साइड में ऑप्शन आता है, क्वालिटी को ना एनहांस कर ले अपने इंटरनेट कैपेबिलिटी के वजह से। मेरे पास तो इंटरनेट है, तो मैंने करा तो एकदम मुझे साफ दिखने लग गया। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से देख सकते हो। जिन बच्चों को पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता मैंने समझा दिया, आप क्वालिटी इंक्रीज कर लो। अमन यादव कहता है कर रहे हैं, ओके। जिवेश भी कहता है ठीक है। जिवेश ने बोला सर डन कर लिया, ओके जिवेश ठीक है। अमन ने भी बोला डन कर लिया, धीरज ने भी बोल दिया डन कर लिया, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी नोट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट और देते हैं, फिर तो मैं भी अब न्यू टॉपिक पे आ जाऊंगा। सभी बच्चों ने लगभग लगभग कर लिया है डन। चलिए
स्टॉक कंज्यूम पहला टॉपिक, ये सब हटा देते हैं और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं स्टॉक कंज्यूम। स्टॉक कंज्यूम, और कंज्यूम को हम यूज भी कहते हैं। सर पहले टॉपिक बता दे, स्टॉक कंज्यूम क्यों निकालते हैं? काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि स्टॉक कंज्यूम निकाला क्यों जाता है, लेकिन हम सारी बातें करेंगे। अब एनपीओ का अगर मैंने एग्जाम्पल दिया हो, तो हॉस्पिटल बोला मैंने, और अगर मैंने बोला तो स्कूल बोला, और मैंने बोला एक क्लब बोला, ठीक है? आप बताएं हॉस्पिटल के अंदर किस चीज का स्टॉक होता है, उसका हिसाब किताब मैं सिखाऊंगा। हॉस्पिटल में कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, सबका कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन है सलोनी, वो सब्सक्रिप्शन है। सलोनी ने कह दिया सर मेडिसिन होता है, बिल्कुल मेडिसिन होता है। और दूसरी बात आपसे पूछता हूँ, सबने यूट्यूब पे भी जवाब दे दिया सर मेडिसिन होता है, और एप्लीकेशन वाले बच्चों ने जवाब दे दिया मेडिसिन। वेरी गुड, मेरी मन की बात बोल दी। तो अगर कोई हॉस्पिटल का अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो मैंने बोला स्टॉक कंज्यूम की बात करें, तो यहाँ स्टॉक होगा मेडिसिन की, तो मेडिसिन की बात करेंगे। और स्कूल के अंदर किस चीज का स्टॉक होता है बताना जरा एक बार, स्कूल के अंदर किस चीज का स्टॉक होता है कोई बच्चा बता सकता है? स्कूल में थोड़ा जूम कर देता हूं, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा बड़ा बड़ा दिखेगा। फिर स्कूल में किस चीज का स्टॉक होता है? बुक्स का, स्टेशनरी का। जवाब आ गया, जवाब आ गया, सभी बच्चों ने दिया, वेरी वेरी गुड। स्कूल में भाई होता है बुक्स का और स्टेशनरी का, जवाब आपका आ गया। तो अगर कोई स्कूल का अकाउंटिंग करोगे, तो हम किसका स्टॉक कंज्यूम निकालेंगे? स्टेशनरी का। और क्लब के अंदर पता है क्या होता है? स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब में बैट बॉल खेलने जाते हैं ना, तो वहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का होगा, यानी बैट बॉल वगैरह का, तो उसका स्टॉक। तो मैंने स्टॉक कंज्यूम अकाउंट, अगर मैं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं स्कूल का, तो समझ जाना सर स्टेशनरी का अकाउंट बना रहे होंगे। अगर मैं बोलूं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं मैं हॉस्पिटल का, तो समझ जाना सर मेडिसिन का अकाउंट बनाने जा रहे होंगे। अगर मैं बोलता हूं मैं स्टॉक अकाउंट बनाने जा रहा हूं क्लब का, तो समझ जाना सर बोल रहे हैं बैट एंड बॉल या जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह उनके बना रहे होंगे। ठीक है, हाँ सर ये तो हम समझ गए बिल्कुल। और हमने आपने क्या समझाया, हमें तो ये बातें पता ही थी। हाँ मुझे पता है आपको सारी बातें पता है, इसलिए मैं साथ के साथ में पूछता भी जाता हूं अपनी तसल्ली के लिए। चलिए, इसके अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सर तीन टाइप के क्वेश्चन? यस, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन, जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तब कैसे करोगे? एक तो ये टाइप, वेरी सिंपल, इसका भी जवाब देखो मैं क्या कराऊंगा आप ही दे दोगे। दूसरा हो सकता है व्हेन, अगर आपको स्टॉक ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद क्रेडिटर गिवन हो, क्रेडिटर गिवन हो, क्रेडिटर के साथ गिवन हो, तब क्या करेंगे, तब भी देखा जाएगा। ठीक है सर, और व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड प्रीपेड, प्रीपेड जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, या एडवांस में कह दूं दे गिवन हो तब क्या करेंगे, तब क्या करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये तीन टॉपिक है बच्चे, अगर ये तीन टॉपिक कर लेंगे तो हम इस टॉपिक के अंदर हमने महारत हासिल कर ली होगी,
और फिर इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, हम आंसर घुमा घुमा के देंगे उन्हें। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आंसर हम मिनट में बता देंगे उनको। अच्छा सर, तो पहला टॉपिक है हमारा ये। अब इसका फॉर्मेट क्या है, मैं फॉर्मेट बना देता हूं पहले। ये लेजर और स्टॉक क्या होता है अगर आपसे पूछूं तो बोलोगे सर स्टॉक तो एसेट्स होता है, तो मैंने यहां लिखा स्टॉक, मैं सिर्फ स्टॉक लिख रहा हूं। अगर स्कूल होगा ना तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा, अगर आपका क्लब हुआ तो जो दे रखा हो स्टॉक वो होगा, अगर हॉस्पिटल हुआ तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन होगा। यहां पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, यहां आएगा टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, और बाय साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। और सर कुछ बताओ? बिल्कुल बताते हैं, जो हम खरीदेंगे यहां पे, यहां आएगा परचेज, परचेज या कैश में खरीदिए आप प्लस क्रेडिट में, सर समझेंगे अभी। और बाय साइड में क्या आएगा, बाय साइड में आंसर आएगा जिसको हम बोलेंगे बाय, यहां लिखेंगे इनकम आई एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि होगा कंज्यूम, ये यहां निकलेगा। सर ये क्या लिखवा रहे हो अभी, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से। मेरा इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, मान लेते हैं मेरे पास शुरू में जब मैंने आज पढ़ाना स्टार्ट किया, ओपनिंग में, ओपनिंग के पास, ओपनिंग में मेरे 10 मार्कर हैं, 10 मार्कर हैं, और मैं खरीद के लिए आया, खरीद के लिए आया मैं 30 मार्कर, तो बताओ मेरे पास कितने मार्कर हो गए। ओपनिंग में 10 मार्कर था, खरीद के लिए आया 30 मार्कर, तो बताओ कितने मार्कर हो गए। जवाब है सर 40 मार्कर हो गए, और बच्चों ने तो जवाब झटपट झटपट दे भी दिया, सर 40 मार्कर हो गए। ओके 40 मार्कर। अब मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल 40 मार्कर में, और इवनिंग में मैंने चेक किया यानी क्लोजिंग में जब मैंने चेक किया, लास्ट में जब चेक किया, क्लोजिंग स्टॉक चेक किया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नजर आया कि 5 है, नजर आया कि 5 है। तो मेरे पास टोटल 40 मार्कर थे और लास्ट में मुझे पता चला मेरे पास 5 ही है, तो बाकी मार्कर पता है क्या हुए होंगे, इस्तेमाल हो गए, यूज हो गए, खर्चा हो गया। समझ में आई बात आपको, बाकी मार्कर हमारे इस्तेमाल हो गए। तो बताइए कितने मार्कर मैंने इस्तेमाल कर लिए, बता सकते हो आप जल्दी जल्दी बता के बताइए कितने मार्कर मैंने इस्तेमाल कर लिए। जवाब आ गया 35, बड़ी तेजी में जवाब आया 35, 35, 35, सबने जवाब दिया 35, वेरी वेरी गुड 35। तो 35 क्या है, यूज है, और यूज को ही मैं पता है क्या बोलता हूं, कंज्यूम, ठीक है ना। यानी अगर आपको ओपनिंग स्टॉक पता हो और क्लोजिंग स्टॉक और ये सारी बातें पता हो, मैंने ये भी बातें आपको बताई है, ये भी बताई है, और ये भी, तो आप यूज निकाल पाओगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे ओपनिंग है और प्लस परचेज, तभी तो ये टोटल आएगा। तो आपने क्या करा, जो वहां पे स्टेटमेंट में किया है वो यहां कर दिया, और उसमें से क्या करोगे आप, ये क्लोजिंग आपने क्या करा, माइनस कर दिया, तो जो भी क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये टोटल यहां जाएगा, इसमें से माइनस होके क्या निकलेगा, कंज्यूम निकलेगा। तो स्टेटमेंट ही तो मैंने इसको अकाउंट में बदल दिया, इन दोनों को उठा के इधर, और इन दोनों को बेसिकली उठा के इधर कर दिया, ये बन गया स्टॉक कंज्यूम। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखते हो लग रहा है कि 3 नंबर का होगा, नहीं सर 3 नंबर को तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा। और चलो और पूछते हैं आपसे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं। मैंने परचेज किया 100 मार्कर और मेरे पास क्लोजिंग में है 20 मार्कर, बताओ यूज कितने किए, बताओ यूज कितने किए। परचेज किया मैंने 100 मार्कर और मेरे पास क्लोजिंग में 20 मार्कर है, तो बताओ यूज कितने किए, बताइए। जवाब आ गया 80 मार्कर यूज किए, बिल्कुल वेरी वेरी गुड,
80 मार्कर मैंने यूज कर लिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब मैं जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगा। अभी पहला पैटर्न चल रहा है तो ये भी आप फटाफट से एक बार नोट करिए, ताकि मैं पहला और दूसरा तो आज मैं करवा दूंगा डेफिनेटली, तीसरा कल पे चला जाएगा, तो पहला वाला तो नोट करिए फॉर्मेट, फिर इससे रिलेटेड फटाफट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी करिए। आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, इसके अंदर ऑल्टरेशन करूंगा। सोनू रॉय ने भी सही जवाब दिया था, विवेक ने भी सही, धीरज ने भी सही, सभी बच्चों ने एकदम फटाफट सही जवाब दिया। डन हो जाए बता दें आप। हेलो, हाँ जी मिल गया, हाँ वो वहीं था, ठीक। भाई लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, 11-18 जो है नालायक बच्चे जो है ये ऑनलाइन होते हुए लाइक नहीं कर रहे, और एप्लीकेशन के बारे में भी जो है मैं अभी बता दूंगा लास्ट में। आप नोट कर रहे हैं अभी तो मैं अभी हट जाता हूँ। डन डन निखिल कहता है ऑलमोस्ट सबका हो गया है। धीरज ग्रीन मार्कर से क्या लिखा है? ग्रीन मार्कर से लिखा है मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कंज्यूम लिखा है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कंज्यूम लिखा है, ये ग्रीन मार्कर से मैंने बोल दिया। और एक चीज और लिखवा देता हूं, जब परचेज ना गिवन होना तो कहीं भी आपको या तो परचेज वर्ड देगा, नोट पे लिख लेना, परचेज बोले या पेमेंट बोल दे, क्योंकि आप पेमेंट क्यों करते हो नॉर्मली परचेज करने के लिए, तो परचेज बोले या पेमेंट बोले तो उसे परचेज मान के ही करेंगे, ये भी नोट में लिख लीजिए आप। चलिए आपके बुक का फटाफट से क्वेश्चन, जिनके पास बुक है वो बुक में से करेंगे, असाइनमेंट आप सभी को मैंने भेज दिया है। पहला क्वेश्चन है क्या कहता है मुझे जवाब दीजिएगा। सलोनी कह रही है कि क्वालिटी कैसे बढ़ाएं ऐप पे। सलोनी ऐप पे तो क्वालिटी नहीं बढ़ पाएगा, फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है विजुअल में, होपफुली ये कल तक तो ठीक हो जाएगा वैसे, और मैं क्योंकि लैपटॉप का भी ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको यूट्यूब का भी लिंक दे देता हूँ, ये लो, ठीक है ना, अगर दिक्कत आ रही हो तो आप वहां शिफ्ट होके भी कर सकते हैं। चलिए
कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है ना तो ये डेबिट ही होगा। डेबिट सर, इधर तो क्रेडिट होता है। अरे यहाँ क्रेडिट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो मैंने उधर लिखा था उस अकाउंट में डेबिट होगा। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। तो कहता है कैलकुलेट, क्योंकि खर्चा होगा, यूज का मतलब खर्चा, और खर्चा क्या होता है, डेबिट, वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कहता है कैलकुलेट अमाउंट स्टेशनरी दैट विल बी डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018। अमाउंट पेड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने पेड किया, आप मुझे जवाब मुझे आपसे ही चाहिए, मैंने पेड किया, पता है कितना पेड किया मैंने, 54,000 रुपए। और स्टेशनरी 31 मार्च 2018 यानी क्लोजिंग स्टेशनरी है, क्लोजिंग स्टेशनरी वो है मेरे पास 25,000, सॉरी 2500। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने पेमेंट इतना किया यानी परचेज कितना किया, 54,000 का, क्लोजिंग में बचे 2500। तो बताओ यूज कितने किए, यूज बताइए। तो यहां पे मैं करके दिखाऊंगा ना आपको, तो देखिए कैसे करते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में। तो देखिए ओपनिंग तो है नहीं, तो जीरो, पेमेंट ये आ गया 54,000। वैसे हालांकि आपको तो पता ही चल गया है 54,000, इधर भी आ जाएगा 54,000, और क्लोजिंग मैंने बता दिया 2500। तो ये कैसे निकलेगा, 54,000 में से 2500 माइनस कर देंगे अगर, तो हमारा जो जवाब आ जाएगा वो 51,000, 51,500 रुपए का जवाब आया। होपफुली बहुत बच्चों ने जवाब दे भी दिया, डेफिनेटली प्राची ने भी दे दिया और इधर से YouTube वाले बच्चों ने भी जवाब दे दिया था, सभी बच्चों ने, वेरी वेरी गुड। इसका बी पार्ट होमवर्क में असाइनमेंट भेजा है, बी पार्ट में क्या कहता है हमारा, चलो मैं लिख देता हूं बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि ओपनिंग में स्टेशनरी है, 1/4/2017 में मेरे पास ना स्टेशनरी है, तो ओपनिंग हो गया कितने रुपए का है, 15,000, और पेमेंट किया मैंने, जो मैंने पेमेंट किया वो कितने का किया पता है, 54,000 पेमेंट किया, 54,000 का। और कहता है स्टेशनरी क्लोजिंग में है, 31/3/2018 में मेरे पास स्टेशनरी जो बचा हुआ है वो है 2500। आप बताइए कितना कंज्यूम हुआ। चलिए जी इसको मिटा दें, अगर आपकी इजाजत हो तो मिटा दें इसे, अगर आपने नोट कर लिया तो हम मिटा दे, बताइए इसे। सारा मिटाने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डिजिट चेंज करके इसका सॉल्यूशन मैं करना चाहता हूं। मैं मिटा दूं इसे, ओके यस सर, मिटा के कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, देखिए क्या क्या हमारे पास सिचुएशन में गिवन है, बस इसे ही तो चेंज करना है मुझे। क्या कहता है ओपनिंग 15,000, तो ओपनिंग कहां आएगा, टू साइड में 15,000 है ना। इसके बाद पेमेंट, पेमेंट का मतलब परचेज, इधर आ जाएगा 54,000। इसके बाद क्लोजिंग 2500, कोई बच्चा बताए क्लोजिंग कहां लिखूं मैं 2500, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया, बताओ 2500 कहां लिखें, 2500 क्लोजिंग कहां लिखें बताइए, डेबिट में लिखें, क्रेडिट में लिखें बताइए। अजी बताइए, सीडी में लिखें, बैलेंस सीडी में लिखें, क्रेडिट में लिखें, वेरी वेरी गुड, आप सबने मुझे याद दिला दिया आज कि ये क्रेडिट में लिखना चाहिए, वेरी गुड। अब टोटल कर लेंगे 54,000 और 15,000, 69, और ये भी आ गया 69 में से 2500 घटा दो जी, ओके सर, तो ये आ गया 66,500। यही तो कंज्यूम आया है, इसे ही तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाएगा। लो जी लो, बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया था, 3 नंबर पक्के होने जा रहे हैं बस आपके। विवेक ने भी जवाब दे दिया, अमन ने भी जवाब दे दिया था, और भी बहुत बच्चे ने, प्राची ने भी दे दिया, सलोनी ने भी दे दिया, तो आंसर की भरमार लग गई, आंसर की भरमार लगा दी आपने तो, इतने सारे जवाब दे दिए। और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पहला सिंपल वाला हमारा केस, और भी क्वेश्चन मैं इसमें जो मैंने असाइनमेंट दिया है सिंपल वाले केस में अब होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ठीक है, असाइनमेंट के सिंपल वाले केस जो सिंपल वाले से रिलेटेड है मैं लिख भी देता हूं, फिर क्रेडिटर वाला करेंगे अभी।
एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी करके दिखाना आप, अभी करके दिखाना। मैंने बोला, विजुअल है यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैलकुलेट द अमाउंट मेडिसिन टू बी डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। हेल्थ हॉस्पिटल है तो मेडिसिन का ही बोलेगा भाई तुम। और इसने कहा मशीनरी मेडिसिन परचेज, परचेज क्वेश्चन में कहता है 60,80,700 ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च दिस। और क्वेश्चन में क्या कहता है, हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे में, शायद इनकम्प्लीट है इसका कुछ पॉइंट मेरे में, मैंने जो नोट्स भेजा है उसके अंदर मिसिंग हो गया। छोड़ो, रहने दो रहने दो, वो बुक में से मैं करेक्ट करके करा दूंगा मैं, ठीक है? यस सर, ठीक है, करा देना आप। क्वेश्चन 9 देख लें। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को, होमवर्क का मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही निकालना है, पार्ट ए पार्ट बी। तो जो असाइनमेंट दिया है ना मैंने, असाइनमेंट में से बुक से मैच करिए क्वेश्चन नंबर 9, आपके टीएस ग्रेवाल के बुक में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है। और सर और भी दोगे क्या इससे रिलेटेड? डेफिनेटली इससे रिलेटेड और भी देंगे, जितने आज बन पाएंगे वो देंगे, ठीक है? आप क्रेडिटर वाला सीखेंगे, बस यही है। समझ में आया आप सबको ये? एक क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए और फटाफट से इसको, जिसने नोट कर लिया तो मिटा के फिर हम इस पे आए, स्टॉक ऑफ क्रेडिटर वाले की बात करेंगे, ये वाला भी सीखना है आज हमें, स्टॉक ऑफ क्रेडिटर, फिर इसके भी क्वेश्चन करेंगे। डन करते ही बता देना आप। मुझे तो लगता है सब बच्चों ने नोट कर लिया है, लेकिन अगर नोट हो जाए तो आप बता देना, ताकि मैं इसे मिटा के फिर से साफ साफ सुंदर सुंदर आपके लिए एक और मैं ये वाला बनाऊं। कौन सा वाला है? क्रेडिटर वाला पार्ट। साजिया ने डन बोल दिया, और भी बच्चों ने डन बोल दिया, और राम ने भी डन बोल दिया, जिवेश ने भी डन बोल दिया, और इधर एप्लीकेशन पे बच्चों ने भी डन बोल दिया है। डन डना डन, ठीक है। डन, चलिए चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, जो साइड में लिखा है, पूरा तो नहीं लेकिन जो साइड में लिखा है इसे मिटा देते हैं। प्राची आप तो ऑनलाइन हो, फिर भी ये मुझे व्हाट्सएप भी कर रही हैं, ठीक है, मैं अभी अपडेट करता हूँ, ध्यान से अपडेट करता हूँ आज। चलिए अब मुझे जो क्वेश्चन पूछूं मैं जवाब देना। मैंने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा यानी क्रेडिटर, उधार माल खरीदा यानी क्रेडिटर 5,000 रुपए का, ठीक है, 5,000 का क्रेडिटर है, यानी ये शुरू में मेरे पास कर्जा 5,000 का था। अब बताओ मेरा कितने पैसे इसे दे ताकि मेरा बराबर हो जाए हिसाब किताब, कितने पैसे इसको मैं दे दूं ताकि बराबर हो जाए। मेरा 5,000 एक क्रेडिटर था जिसको 5,000 देने थे, जवाब है मैं इसे कितने रुपए दे दूं कि मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाए। बताइए फटाफट से, कितने रुपए दे दूं इसको
कि मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाए। सर बोलेंगे कैसी बातें पूछ रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा हमें तो। प्राची ने जवाब दिया सर 5,000 रुपये, और सभी बच्चों ने बोला 5,000। बिल्कुल सही जवाब, 5,000। चलो लो जी लो, मैंने इसे 4,000 रुपये दिया, आपने कहा 5,000, और मैंने कहा कि मैंने इसे पेड कर दिया, पेड कर दिया 4,000। इसका मतलब क्या समझे, 1,000 रुपये का और भी क्रेडिटर बाकी है, और क्रेडिटर बाकी है, और क्रेडिटर बाकी है। कितने का? 1,000 का। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैंने बोला भाई क्रेडिटर कितने देने हैं, तो क्रेडिटर ने मुझे जवाब दिया, मुझे क्रेडिटर ने जवाब दिया कि आपको तो 8,000 रुपये मुझे देने हैं। अब बताइए, मेरे हिसाब से 1,000 देने हैं, क्रेडिटर बोलता है 8,000 देने हैं, बीच में ऐसी क्या विडंबना रही, ऐसी क्या वाक्यात हो गई जिसकी वजह से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया? कोई बच्चा बता सकता है? सोच के कॉमन सेंस लगाना। मैंने देना है 1,000, मैं सोच रहा हूं 1,000 दूंगा, 1,000 दूंगा, 1,000 दूंगा। मैं दुकानदार से पूछा, बोला भाई 1,000 1,000 नहीं है, तुम्हें तो 8,000 देने होंगे, तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किए होंगे बीच में, कुछ खरीद लिया होगा उधार, तो अब बताइए कि मैंने कितने का सामान इससे और खरीदा होगा बीच में? कोई बता सकता है? कि मुझे तो लगता था कि मैं 1,000 दूंगा, दुकानदार बोलता है नहीं जी 1,000 नहीं, तुम्हें 8,000 रुपये देना है, तो आप सच सच बताइए कि मैंने इससे कितने रुपए का सामान खरीद लिया होगा बीच में? तो जवाब आ गया कार्तिक का, सर 7,000 रुपये का सामान खरीदा होगा। और जवाब आ गया जिवेश का, 3,000 का माल खरीदा, ग्रेसी ने 7,000 रुपये, हाँ जी परचेज किया होगा। 3,000 जवाब गलत है, 7,000 एकदम ठीक ठीक जवाब है, 7,000 का माल खरीदा होगा। हाँ सर, इसका मतलब क्रेडिटर वेडिटर दे दे आपको, यानी ओपनिंग क्रेडिटर दे दे और क्लोजिंग क्रेडिटर दे दे और पेमेंट दे दे, तो हम निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे इसको, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 7,000 रुपये का क्या निकाल पाए, हमने नया खरीदा है, न्यू गुड्स खरीदा है। ओके सर, आप मुझे एक बात बताइए, जब सामान खरीदते हैं तो क्या इस वाले अकाउंट के अंदर यूज होता है हमारा स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में? हाँ सर यूज होता है, ये होता है ना कैश प्लस क्रेडिट परचेज। तो अब क्रेडिटर अकाउंट बनाने का पर्पस पता है क्या है? सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा क्या है आप अपने मन से बता दो, मैं क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाऊंगा? क्या इस अकाउंट के अंदर क्रेडिटर का इस्तेमाल है? नहीं है। इस अकाउंट के अंदर सिर्फ इस्तेमाल इसका है परचेज का, तो मैं क्रेडिटर अकाउंट भाई बनाऊं क्यों? यहां से कुछ ना कुछ तो निकलेगा क्रेडिटर भाई, तो क्यों बनाऊं मैं क्रेडिटर अकाउंट? क्या निकलेगा यहां से और क्या पर्पस है बता दो, क्या पर्पस है क्रेडिटर अकाउंट बनाने का बताओ, आप मुझे बताइए फटाफट से क्या पर्पस होगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बनाना तो यही अकाउंट है और यहां पे मुझे परचेज चाहिए, और क्रेडिटर अकाउंट से तोड़ मड़ोड़ के अभी आपने मुझे जवाब दिया, तो बताइए क्रेडिटर अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? तो जवाब आ गया सर आउटस्टैंडिंग, और एक जवाब आया मेरे पास परचेज का भी जवाब आ गया, तो वेरी वेरी गुड। कुछ बच्चों ने परचेज का जवाब दे दिया, कुछ बच्चों ने आउटस्टैंडिंग बोला है। तो मेरा उद्देश्य क्रेडिटर अकाउंट बनाने का एक है और मात्र एक है, सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, और वो है परचेज ढूंढना, जो उधार में खरीदा है उसको ढूंढना। तो उधार कैसे ढूंढा, अगर हम ओपनिंग में पेमेंट को ऐड कर दें और क्लोजिंग को माइनस कर दें तो परचेज आ जाएगा। यही करा है ना आपने, ओपनिंग में पेड को ऐड कर दे और क्रेडिटर को कर दे तो परचेस आ जाएगा। हाँ सर, इसको अकाउंट फॉर्म में भी सीख लेते हैं, इसको अकाउंट फॉर्म में भी सीख लेते हैं। ठीक है, अकाउंट फॉर्म में भी सीखते हैं। चलिए, ये अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको क्रेडिटर दे देना साथ के साथ ओपनिंग क्लोजिंग, तो हमें दो अकाउंट बना लेना चाहिए, एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाना चाहिए। और क्रेडिटर का अकाउंट बनाने का एक ही मुद्दा है, एक ही पर्पस है, जो कि मैंने अभी आपसे बताया, ये क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। क्रेडिटर अमाउंट, ओहो पर्टिकुलर आएगा, डेबिट क्रेडिट। अब क्रेडिटर जो होता है हमारा, ये है क्रेडिटर। तो सर किस चीज का क्रेडिटर?
अगर स्कूल है तो स्टेशनरी का क्रेडिटर, हॉस्पिटल है तो मेडिसिन का क्रेडिटर, स्पोर्ट्स है तो इक्विपमेंट का क्रेडिटर। सिंपल। अब क्रेडिटर का बैलेंस लाइबिलिटी होता है, तो इसका बैलेंस पता है कहां से स्टार्ट होगा? बाय से। बाय बैलेंस बीडी इस साइड लिखेंगे, और इसका टू बैलेंस सीडी, उल्टा हो जाएगा ये। अब बताओ ये बढ़ेगा किधर से? सर बढ़ेगा ये इधर से और घटेगा इधर से। बिल्कुल सही। तो अगर इधर से बढ़ेगा इधर से घटेगा, तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो बताइए घटेगा या बढ़ेगा? क्रेडिटर को अगर मैं पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर घट जाएगा या बढ़ेगा? जवाब कमेंट में आना चाहिए। अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो बढ़ेगा या घटेगा? बताइए जवाब कमेंट में फटाफट। डिक्रीज होगा, धीरज ने जवाब दे दिया, और एप्लीकेशन पे कार्तिक ने भी माइनस बोल दिया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो घटेगा तो टू साइड में लिखेंगे, और टू पता है कैसे लिखेंगे? बैंक से। टू बैंक से, ये पेड है, टू बैंक से पेड यहां आ जाएगा, और यहां पे जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इधर, तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो पता है क्या आएगा? यहां पे आएगा हमारा परचेज, स्टॉक परचेज, ये परचेज निकलेगा। और इस परचेज का यूज कहां करना है? इस परचेज का यूज यहां करना है, यहां करना है, यहां लेके आएंगे। ठीक है, इस अकाउंट का बनाने का मुद्दा सिर्फ है आपको स्टॉक का परचेज निकालना। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। इस स्टॉक का मुद्दा क्या था? सिर्फ स्टॉक परचेज निकालना, यही मुद्दा था इसका, और ये आपने समझा दिया। चलो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन को करते हैं और फिर देखते हैं आपका क्या जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल, क्रेडिटर वाला है या नहीं है? हाँ जी, कहता है 1 अप्रैल 2017 में, 1/4/2017 में हमारे पास स्टॉक है स्टेशनरी का, और 30,000 रुपए का है, 30,000 का है। आगे कहता है क्रेडिटर भी है, सेम डेट पे 2017 में हमारे पास क्रेडिटर भी है। सर क्रेडिटर कितने का है? 20,000 का है, 20,000 का। ओके सर, अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, हमने पेमेंट किया है, हमने पेड किया है, कितने का पेड किया है? 1,08,000। तो आप ध्यान देना, अगर क्रेडिटर वाला बैलेंस हुआ ना और पेड बोला तो ये वाला पेड है, अगर क्रेडिटर नहीं हुआ क्वेश्चन में तो पेमेंट बोले तो परचेज वाला पेड है, ये ध्यान रखना है आपने। स्टेशनरी 31 मार्च को 31/3/2018 में स्टॉक देता है आपको स्टेशनरी का, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और क्रेडिटर का भी देता है 31/3/2018 में, क्रेडिटर का यानी क्लोजिंग है, और ये कितने का है? 13,000 रुपए का। कहता है ऑल्सो शो द अबव आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा यानी खर्चा कितना होगा, अल्टीमेटली पूछ रहा है 31 मार्च 2000, बैलेंस शीट एंड डेट। तो बहुत सारी बातें पूछी है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से अभी कंज्यूम निकालना सीखेंगे, बाकी कौन से आइटम को कहां ले जाया जाता है वो अगली क्लास का मुद्दा रहेगा, कंज्यूम निकालना सीखेंगे। चलिए मेरे साथ साथ निकालिए कंज्यूम, देखते हैं मेरे से पहले कौन निकालता है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ये पुट कर दिया ओपनिंग बैलेंस में 30,000, देखते जाइए आप। ये है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, इधर आ जाएगा 20,000। ये है पेड, तो पेड हमारा क्रेडिटर है तो यहां आ जाएगा 1,08,000। तो देखिए बस फिल कर रहा हूं मैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो यहां आ जाएगा 5,000, और ये क्रेडिटर का क्लोजिंग है तो यहां आ जाएगा 13,000। ओके सर, पहले ये अकाउंट बंद होगा फिर ये अकाउंट बंद होगा, तो चलिए मैं इस अकाउंट को बंद कर दूं। इस अकाउंट को अगर मैं बंद करूं तो 1,08,000 प्लस में 13,000, 2,00,000, 1,21,000, 1,21,000 माइनस में 20,000, 1,01,000। और इस 1,01,000 को इस्तेमाल कहां करेंगे? यहां 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 यहां, 1,01,000 प्लस में 30,000, 1,31,000, 1,31,000, और माइनस में 5,000 कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1,26,000। आंसर आ गया 1,26,000। देखते हैं किसी बच्चे ने निकाला था,
लो भाई मैं तो आपसे तेज निकल गया, मैंने आपसे पहले करके दिखा दिया, बच्चों से पहले कर दिया। अब फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बुक में है तो क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में भी दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 है तो आवश्यकता है ही नहीं करने की। और एक क्वेश्चन देखें सर, ये बैलेंस शीट में भी बोला था कुछ, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करते हम इसका कि कहाँ आइटम क्या जाएगा, ठीक है। लो जी लो, क्वेश्चन की भरमार। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपसे ही पूछूंगा, देखते हैं सबसे पहले तेज कौन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया इसने, 1-4, और बाकी बच्चों के पास तो दिख ही रहा होगा, और 31-3-2018 कुछ बैलेंसेस है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंसेस है 80,000 और 60,000, और हमें क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 90,000 और 1,10,000, और क्वेश्चन में कहता है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर ₹470, तो परचेज किया 470। अब बताइए इस अकाउंट बनाने का मुद्दा था सिर्फ परचेज निकालना, अब आपको परचेज दे ही दिया तो ये अकाउंट मेरे लिए यूजलेस हो गया, बेकार अकाउंट है मेरे लिए, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो परचेज तो पता ही है, तो अब क्रेडिटर वाला अकाउंट आपने नहीं बनाना, सिर्फ इसी अकाउंट से आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी जल्दी देखते हैं सबसे पहले सबसे तेज कौन बच्चा निकाल के दिखाता है। मैं हालांकि इस दोनों अकाउंट को आपसे बनवा लेता हूं, मैंने बोला पॉइंट नंबर 1 निकालिए कितना पेड होगा, पॉइंट नंबर 2 निकालिए कितना कंज्यूम होगा। तो सर पेड कैसे निकलेगा, इस अकाउंट में सारा डेटा फीड करोगे बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा पेड, और इस अकाउंट में सारा डेटा फीड करोगे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कंज्यूम। आप जल्दी जल्दी देखते हैं सबसे तेज कौन जवाब देता है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, धीरज का जवाब 67,000। चेक करते हैं धीरज, मैंने पेड भी पूछा है तो पेड का भी जवाब दें आप 67,000। ये 470 है, मैंने 470 लिखा है, 47,000 नहीं है, इस बात का ध्यान दे धीरज। सोनू रोय ने 67,000, ये 67,000 किस चीज का जवाब दे रहे हो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कंज्यूम, चलो देखते हैं 67,000 कंज्यूम निकाल रहे हैं लगता है ये बच्चे, और मैं देखूं मेरा आंसर क्या है। सड़सठ हजार कंज्यूम गलत जवाब है, मैं भी करूंगा अभी 4,90,000, 4,90,000 एक बच्चे ने निकाला, बिल्कुल सही जवाब है, और श्रेया कीर्ति ने 24,000। आप साथ के साथ ये भी लिखें कि कंज्यूम कितना है और पेड कितना है, परचेज तो दे रखा है मैंने, दोनों चीजें बताया। श्रेया कीर्ति 24,000 क्या निकाला आई डोंट नो, आपने लिखा नहीं, और यहां पे कार्तिक ने भी जवाब दे दिया 4,90,000। कार्तिक ये भी लिखे, ये है क्या चार कंज्यूम लिखा है कार्तिक का, करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब 4,90,000 कंज्यूम आएगा, पेड कितना आएगा ये आपने बताना है।
प्राची का भी 4.90 आ गया। चलो सॉल्यूशन मैं करता हूं, ध्यान दें, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपने बाद में जो भी एप्लीकेशन, जो प्रीमियम एप्लीकेशन के बच्चे होंगे, जो भी हमारे एप्लीकेशन पे शिक्षा धाम प्ले स्टोर से जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, उनको तो ये फुल एचडी क्वालिटी में दोबारा से एडिटिंग होके वीडियो मिल जाती है स्टोर के अंदर, जो भी हमारा एप्लीकेशन है। और यूट्यूब पे तो कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर रिमूव हो जाता है। तो बाकी अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो छोड़ूंगा, तो बाकी बच्चों के पास लिंक अवेलेबल है तो वो देख के ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, जो ये वाला करवाया है मैंने यहाँ नोट कर लेना। मैं इसलिए इसको यहाँ मिटा देता हूँ और मैं अब अगला जो क्वेश्चन मैंने दिया था मैं वो करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके सर, ये लो देखिए, स्टॉक ओपनिंग 80,000 यहां लिख दिया, स्टॉक क्लोजिंग 60,000 यहां लिख दिया, क्रेडिटर ओपनिंग 90,000 यहां लिख दिया, क्रेडिटर क्लोजिंग 1,10,000 यहां लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या देता है कि आपने परचेज किया है 470 का, तो यहां आ जाएगा। और दूसरा, ये परचेज कहां आ जाता है, 470 यहां आ जाएगा। सिंपल, यहां तक जिस बच्चे को डाउट है बता दीजिए मुझे, मैं दोबारा समझाने के समझा दूंगा। यहां तक बताइए, हर बच्चे को समझ में आ गया। यहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना, वो निकल जाएगा बैंक से पेड, यानी 90,000 प्लस 470, 560,000, 560,000। कुछ बच्चों ने शायद जीरो का, हो सकता है कि गलती लगा के गलत गलत जवाब दिया हो, ये आ गया 450 का। मैंने पूछा था, एग्जामिनर ने नहीं पूछा, मैंने पूछा बताइए कितना पेमेंट हुआ है, तो ये ऐसे निकल गया। यहां पे देखते हैं 80,000, 470, 550,000, 550,000 माइनस में 60,000। और ये 490 जिन बच्चों ने दिया है उन सभी बच्चों का सही जवाब था। तो 490 कंज्यूम और बाकी पेड, ठीक है। अभिषेक कुमार का एकदम करेक्ट जवाब आया था दोनों। तो श्रेया आपको भी होपफुली समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे 67 दे रहे थे, सोनू और धीरज और भी एक दो बच्चे थे, उनको भी समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया है। चलो अब होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि आज की छोटी क्लास ली हमने। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 9 तो मैं ऑलरेडी दे चुका था, 3 मैंने यहां कर दिया है। और कौन सा क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट दे रखा है हर किसी को मैंने, एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पहले ही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13 बस सर अब ना दो, ठीक है। चार क्वेश्चन दे दिया, देखो 8, 10 और 13 जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंदर तो है ही है, मैंने एप्लीकेशन के अंदर भी अपलोड कर दिया है। आप लोगों का बैच का लिंक भी मैं दे दूंगा आज, और यहां पे भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो अब आप में से किसी को जो डाउट है पूछ लीजिए एक एक करके। मैं अगली क्लास यानी परसों 5:30 बजे ही मिलूंगा, और परसों हम ये वाला टॉपिक करके जल्दी से और एक टॉपिक खत्म करेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे आ जाएंगे, यानी 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। और हर बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं,